तो आज मैं नहीं, एक सेकंड। हाँ, दिन तो बहुत सर्वाइव कर लिए, आज हम सर्वाइव करेंगे अंधेरी अंधेरी रातों में। तो आज मैं आया हूँ एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर हमेशा हमारे वर्ल्ड में सिर्फ रात ही होती रहेगी। इसका मतलब कभी भी हम पे कहीं से भी हमला हो सकता है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि ये दरिंदे हमें सिर्फ रात में मारते हैं, दिन में तो इनसे हमारे सूरज भैया अपना बदला तो ले ही लेते हैं, लेकिन आज ये नहीं होने वाला। तो 100 नाइट सर्वाइव करना इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमारे चारों तरफ सिर्फ मॉब्स ही मॉब्स होंगे, जिनसे सर्वाइव करना हार्डकोर में तो और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो क्या आज मैं इस वर्ल्ड में 100 नाइट सर्वाइव कर पाऊंगा, या फिर ये मॉब्स मिलकर मेरी बैंड बजा देंगे? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मॉब्स ही बैंड बजाएं, ऐसा तो यार हो नहीं सकता। एक चांस मैं तुम्हें भी देता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब पे थोड़ा सा बैंड बजा दो यार। तुम भी लाइक और सब्सक्राइब बटन यार दिया ही किस लिए यार यूट्यूब ने, फटाफट से बैंड बजा दो। अच्छा कर दो यार सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं अपनी अंधेरी रातों में एक नई जर्नी, जो कि देखते हैं कितनी लंबी चलेगी ये जर्नी। और ये मैं, ओ भाई पहले से यहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज़, भाई क्रीपर 3 भाई, ये तो भाई वाट लगा देंगे मेरी। अच्छा वो मैं थोड़ी सी हाइट पे हूँ यहाँ पे, लेकिन यार ये मकड़ी चढ़ जाएगी, देख मत लियो मेरे को, मैं बता रहा हूँ। मेरे को सबसे पहले यार फूड चाहिए, ये वाला पेड़ है ना हमारे लिए ऊंचाई पे लगा रखा है पहले से। पहले थोड़े से यहाँ से ग्रास ब्लॉक्स ले लेता हूँ ताकि मेरे को भागने, अरे नहीं भागने में नहीं, इनको पहली रात ही अपनी अंतिम रात हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। देख मत लियो मैं बता रहा हूँ, स्पाइडर देखने का नहीं है, देखने की हो ही नहीं रही है। देख लिया क्या? ले देख लिया भाई। नहीं मैं, अरे ऊपर मत आ यार, ऊपर मत आ, मैं जा रहा हूँ ऊपर मत आ। ओ भाई ये पार भी मार देते हैं क्या? ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ पिटेगी तू ये। और ले अपनी बहन को भी बुला लिया, भाड़ में जाओ तुम। मैं जल्दी से यहाँ से लकड़ी जमा करके टूल्स बना लेता हूँ, फिर बताता हूँ इन्हें। चलो ये बन गए अपने टूल्स। अब बताओ कौन सी स्पाइडर थी, कौन ज्यादा मजे लेने की कोशिश कर रहा था मेरे से? तू थी ना, आजा। अब कैसे ऊपर नहीं आया जा रहा? अब आना ऊपर, ऊपर आके दिखा, ऊपर आ ना। हाँ बस हो गया काम, ठीक है ज्यादा मजे नहीं लेते, बस हवा निकल गई। नहीं अरे मैं मजाक कर रहा था, सही में आ गई है तो आजा। अरे ऊपर चढ़ पा नहीं रहे, आए मुझे मन ने, रुक। हाँ बस निकल गई हवा, इतनी जान थी। रुको जरा, मुझे अब यहाँ से सीधा भाग लेना चाहिए, यहाँ से भागो 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 भाई, लड़ने की हो ही नहीं रही है, मैं जा रहा हूँ। अब आए ना लाइन पे, एंडरमैन भी आ गया, चलिए तो मारेगा नहीं, मैं जा रहा हूँ पानी में नीचे। नीचे कोई केव मिल जाए ना अपने लिए सही रहेगा, वरना यार स्पाइडर वगैरह ये अपनी बैंड बजा देंगे, आराम से जाएंगे, यहाँ कोई रिस्क नहीं है फिलहाल के तो। हाँ स्टोन जमा कर लो यार, मैं भी क्या लकड़ी के टूल्स लेके घूम रहा हूँ, सब फटाफट से स्टोन के टूल्स बना लेते हैं पहले। चलो यहाँ पे अपने स्टोन के टूल्स तो बन गए, अब मुझे थोड़ा बहुत आयरन चाहिए, अगर यहाँ पे मिल जाए तो सही रहेगा, वैसे कम चांस है मुझे यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा मुझे केव वगैरह ढूंढनी पड़ेंगी, और ये दिन तो तुम्हें होगा नहीं, तुम्हें तो पता ही है। तो दिन ना हो तो कोई बात नहीं यार, ऐसे डैमेज नहीं लेना है, क्योंकि खाना मुझे थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। लेकिन ये क्रीपर को देखो भाई, यहीं पे घूम रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये रहा क्रीपर, मुझे बच के रहना पड़ेगा, ऊपर से कोई धप्पा मत कर देना। मैं थोड़ा सा खाना जमा करने जा रहा हूँ, यहाँ तो केव है। हाँ चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा भोजन जमा कर लिया जाए। अरे तेरा भोजन नीचे है भाई, तू क्यों आ रहा है? तेरा भोजन नीचे, मुझे उसका भोजन चाहिए भाई। थोड़ा सा खाना दे दो बस। हाँ तू दूर रह भाई मेरे से। मगर क्यों? केव में चलते हैं फटाफट से, यहाँ से थोड़ा सा आयरन मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। वहाँ पे मुझे कोल तो दिख रहा है, चलो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कोल तो मिल गया। मैं ना सबसे पहले टॉर्च बना लेता हूँ यार, तुम्हें भी तो थोड़ा बहुत दिखना चाहिए, वैसे तुम्हें ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ अपने लिए टॉर्च, इसको रख लेते हैं अपने हाथ में, अब दिख रहा है एकदम क्लियर HD दिख रहा है भाई 4K में। तो फटाफट से यहाँ पे जितना भी कोला फटाफट से माइन कर लेते हैं, उसके बाद आयरन को ढूंढेंगे। यहाँ पर मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोल मिल गया लेकिन आयरन नहीं मिल रहा, पता नहीं यार कहाँ पे हूँ मैं केव में, और मैं नीचे जाना भी चाह नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे पानी पानी है यार, नॉर्मल होती तो चला आता। आयरन मिल गया, फटाफट से आयरन माइन कर लेते हैं, लेकिन रुक जाओ नहीं करना भाई, बाद में कर लूंगा मैं, इनसे बच के रहना भाई, सामने क्रीपर है। हाँ मैं अगर बेड बना के सो जाऊँ तो दिन हो जाएगा, वैसे होना तो नहीं चाहिए मोड़ के हिसाब से तो, पर फिर भी ट्राई तो करेंगे भाई एक। लेकिन उसके लिए यार हमें एक शीप और चाहिए होगी, एक वूल और चाहिए, पर दो ही वूल है, और कौन है पानी में? अरे नहीं 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 अरे नहीं नहीं अरे नहीं भाई, मजाक समझते नहीं हो यार तुम, कोई धप्पा मत कर देना यार, मैं जंगल में जा तो रहा हूँ, वैसे रिस्क ही बहुत है ये जंगल में जाना। ओ नहीं 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 भाई, भाई सही में डरा दिया इसने तो, जलवा है हमारा, भागो भाई। सबसे पहले यार मुझे एक शीप ढूंढनी, यार एक शीप नहीं मिल रही है, लेकिन यार ये शीप कहाँ, सोने चली गई क्या सारी? मैं तुम्हारे लिए यार यहाँ पे जगह पड़ा हूँ, ये सोने चली गई शीप सारी, देखो भाई
भाई क्या लो भाई, चारों तरफ देख ले कहीं भी एक शीप तक नजर नहीं आ रही है भाई, कहाँ चले गए सारे के सारे। अरे फर्नेंस बना के अपना खाना तो पका लेते हैं, फटाफट से फर्नेंस बनाते हैं, कोल तो है ही अपने पास। आज के लिए ट्री हाउस हमारा सबसे बेस्ट हाउस है, देख रहे हो, इससे बेस्ट हाउस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। क्या मतलब है, मैं डर के मारे यहाँ छिपा हुआ हूँ। चलो अपना खाना पक गया, फटाफट से यहाँ पे अपनी हेल्थ फुल करते हैं। और शीप तो हो रही हो रही, दिग्गी भाई दिग्गी, फाइनली इतना दूर है, लेकिन रास्ता थोड़ा हार्ड होने वाला है, पर कोई बात नहीं, पहुँच के रहूंगा मैं। शीप आजा आजा आजा, मुझे एक वूल दे दे, बस ज्यादा नहीं, एक वूल चाहिए। इधर इधर, अरे ये मारेगा मेरे को यार, देख लिया इसने। चल रुक जा भाई, अरे नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत मारता हूँ तुमको, मैं यहाँ से लेके सीधा ऊपर भाग जाता हूँ। ये मारा, भागो भाग 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 ओ भाग भाग जा भाग ओ मा भागो भाई भागो, बच गया बच गया बच गया भाई। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, बस हाँ 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 बच गया। चलो फाइनली बच हो गया, इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, यहाँ पर बनाएंगे अपने लिए एक बेड और सो जाएंगे और कर देंगे फटाफट से दिन। और ये मैं किसी केव में आ गया, क्या बात है भाई, देखा ओ नहीं नहीं आया केव में, मैं नहीं आया नहीं गया भाई, बच गया अभी। ये भाई क्रीपर कहीं से भी आ जाते हैं यार ये, भाई बड़े बेशरम है यार ये। ये बन गया अपना बेड और फटाफट से जाते हैं सो। अब मैं बता रहा हूँ दिन हो जाना चाहिए, वैसा ऐसा होगा नहीं मुझे पता है। और वाह क्या ही दिन हुआ है भाई, मस्त वाला दिन हो गया ना। और थोड़ी सी माइनिंग करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे आयरन मिल चुके थे, यहाँ से मुझे टोटल 8 आयरन मिले, जिसको स्मेल्ट करने के बाद मुझे सिर्फ 8 ही मिलेंगे, ज्यादा थोड़ी ना मिल जाएंगे। जिससे मैंने अपने लिए कुछ आयरन के टूल्स बना लिए, और मैं चाहता था यहाँ पे अपने लिए एक शील्ड बनाऊं, लेकिन कभी कभार लकड़ियां भी कम पड़ जाती हैं। पहले आसपास देख लूं कोई है तो नहीं, डर नहीं रहा हूं यार मैं, कहीं सोच रहे हो तुम मैं डर रहा हूं, मैं डरता ही नहीं यार किसी से। अच्छा चलो फटाफट से यहाँ से थोड़ी बहुत लकड़ियां चुरा लेते हैं, वैसे मुझे बहुत डर लग रहा है। अब आए ना लाइन पे। चलो फाइनली अपनी यहाँ पे शील्ड भी बन गई यार, एक आयरन कम पड़ गया, वरना अपने लिए मैं एक्स या फिर वाटर बकेट बना लेता। हाँ चलो आयरन के बदले कोल मिल गया, तो कोल भी उठा लेते हैं। हाँ अब बता तू क्रीपर क्या हाल है तेरे, पहले तो मुझे डरा के भगा दे, अब देख मैं तेरी कैसे बैंड बजाता हूँ। शील्ड लेके आया हूँ, तू अपने आप ही फट जाएगा, मुझे पता था। भाई ये कौन सी केव की रखवाली कर रहा था, यहाँ पर तो केव है भी नहीं है। लो भाई ये खत्म केव की रखवाली कर रहा था, सही है यार माइनक्राफ्ट वालों, छोटी सी केव के लिए क्रीपर अलग से रख रखा है सिक्योरिटी गार्ड की तरह। मेरी पावर को मत भूल तू। अच्छा और उसके बाद मैं सीधा इस केव से बाहर निकल आया, और अब मेरा टारगेट था कि मैं अपने लिए एक विलेज ढूंढूं, आसपास मुझे विलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया एक विलेज की तलाश में। रास्ते में कभी कभार धमाके भी करने पड़ते हैं यार, वो पम्पकिंस, हाँ इसका मतलब विलेज मुझे आसपास ही मिल जाएगा। चलो ये अच्छी बात है, मुझे विलेज जल्दी मिल जाएगा, ज्यादा दूर भटकना नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक केव मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले थोड़ा सा आयरन ही माइन कर लिया जाए, विलेज बाद में ढूंढ लेंगे क्या हो गया। पर ये केव थी या कूड़े का ढेर था मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, यहाँ पर मुझे एक भी आयरन नहीं मिला भाई, क्या था ये मजाक मजाक। कोई बात नहीं, वहाँ नहीं मिले तो यहाँ पर मिल गए। और इस केव में मुझे हर जगह पे सिर्फ आयरन ही आयरन मिल रहा था, मुझे तो लग रहा है इस वाली केव ने उस वाली केव से सारा आयरन चुरा लिया। तो उसके बाद मैंने यहाँ से ढेर सारा आयरन माइन किया, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक रुइंड पोर्टल दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर विलेज भी मिल चुका था। देख रहे हो एक तीर से दो निशाने हो गए, विलेज ढूंढा रुइंड पोर्टल भी मिल गया, पर सामान कुछ अच्छा नहीं मिला। और ये रुइंड पोर्टल भी ना काफी सही हालत में है, मतलब उसमें मैं सिर्फ 2 या 3 ऑब्सीडियन लगा के इसको कंप्लीट कर लूंगा, तो ये अच्छा है, मैं ये कर लूंगा। पहले सीधा चलते हैं विलेज की तरफ, और लुको यार, लेकिन विलेज में जाने से पहले इनसे थोड़ा मार खा, नहीं यार मार थोड़ी ना खानी है यार, मैं जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई नहीं लड़ना यार मुझे। वो एक सेकंड, अगर इस वर्ल्ड में रात हो रही है तो ये विलेजर हमेशा सोते रहेंगे? अबे भाई काम धंधा कर लो यार तुम। अरे भाई ये विलेजर्स वैसे भी कुछ काम करते नहीं है, और इस वर्ल्ड में तो ये सोते रहेंगे। लो भाई आलसी विलेजर भी मिल गए, हमेशा तो नल्ले बेरोजगार बिना काम के निकम्मे विलेजर मिलते हैं, और आज आलसी भी मिल गए। चलो आ जाओ पहले थोड़ी सी गोलम भैया की हेल्प करा दे। अरे बस बस बस, इससे ज्यादा हेल्प नहीं करा सकता गोलम भैया, मैं मेरी खुद की हवा टाइट हो रखी है, तुम्हारी क्या हेल्प कराऊं मैं। हाँ ये है अपना घर, ये है मस्त, ये घर बनाएंगे जिसके स्टोन ब्रिक मिलते हैं, ये मुझे पहली बार देखा यार मैंने किसी उसमें चेस्ट में स्टोन ब्रिक भी मिलते हैं। तो उसके बाद मैंने फर्नेस लगा के अपने आयरन को स्मेल्ट किया, और जब तक हमारा आयरन स्मेल्ट हो रहा है थोड़ी बहुत चोरियां कर लेते हैं विलेज में। ओ टूलस्मिथ, फिर तो पैसा ही पैसा होगा, अब तो डायमंड ही डायमंड मिलेंगे। अरे मैं डायमंड लेने जा रहा हूँ, पीछे से चोरी करने आ रहा है तू, मेरी चोरी करेगा, अब तो डायमंड ही डायमंड मिलेंगे भाई, मजा आएगा।
लेकिन नहीं आया यार मजा, एक भी डायमंड नहीं दिया। छोड़ो यार, आज अपनी किस्मत ही खराब है। तो यहाँ से तो मुझे एक भी डायमंड मिला नहीं था, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खाना ही जमा कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारा खाना जमा किया और फाइनली हमारा यहाँ पे आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था, जिससे मैंने अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया, अपने लिए कुछ आयरन के टूल्स बनाए। और पहली रात से मैं देख रहा हूँ ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अब तो मैंने आयरन का आर्मर बना लिया, अब मैं हो गया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। थोड़ा कम हुआ हूँ पर ठीक है। अब आ जाओ इनकी, मैं देखो कैसे बैंड बजाता हूँ, अपना बदला तो पूरा कर लूँ। ये हुई ना बात, अब आ गया मजा भाई, मजा आ गया भाई, तू भी आ जा। ओ भाई नहीं नहीं भाई, ये क्या आयरन की स्वॉर्ड ले रखी है भाई, लिटरली हाफ आर्ट मेरे को छोड़ा उसने। भाग भाई भाग, ज्यादा मजे ले लिए मैंने भाई, अब नहीं ले रहा मजे तेरे से मैं। आयरन की स्वॉर्ड लेके आया भाई, देख रहे हो भाई, अब मुझे मजे लेने नहीं यार, पहले वो थोड़ा मैं तुमसे ना हो पाए। ठीक है चलो। तो फाइनली सभी मॉब्स को अच्छे से मारने के बाद सबकी पिटाई लगा के मैंने अपना बदला पूरा कर लिया, वो इम्पोर्टेंट था यार, एक का नहीं हुआ तो चलता यार इतना तो। और उसके बाद मैंने अपने लिए एक बो बनाई, लेकिन एरोज मेरे पास काफी ज्यादा कम थे, तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं थी, अपने फ्लेचर अंकल से मैं काफी सारे एरोज तो इजीली खरीद लूंगा। ये सोच के मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत फ्लिंट जमा की, जिससे मैंने अपने लिए एक फ्लैचिंग टेबल बनाई, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ। भाई ले ले जॉब, अरे ले ले यार भाई, जॉब नहीं चाहिए क्या तुझे, हमेशा बेरोजगार ही रहेगा क्या? ठीक है फिर तेरी मर्जी। अरे ये भी जॉब नहीं ले रहे यार, ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होता ये बेड की तलाश कर रहे हैं तब ये रात में मतलब ये जॉब नहीं लेते, पता नहीं यार ऐसा होता है या नहीं होता। यहाँ पर मुझे तो कुछ समझ आया नहीं कि ये जॉब क्यों नहीं ले रहे थे, तो मैंने तो भाई अपना गुस्सा इन पे उतार दिया। और बाकी तुम्हें अगर गुस्सा आ रहा तो तुम लाइक और सब्सक्राइब पे गुस्सा उतार ही दो, कुछ तरीका है भीख मांगने का। तो अब बारी थी सीधा नेदर में जाने की, क्योंकि नेदर में हमें बेसियन के अंदर थोड़े बहुत एरोस तो मिल जाते हैं। तो उसके बाद मैं पोर्टल को एक्टिवेट करके सीधा निकल गया नेदर के लिए, और नेदर में मेरा सबसे पहला टारगेट था कि मैं, हाँ, इन भाई सबसे बचने के लिए मुझे सबसे पहले एक अपने लिए गोल्डन बूट्स बनाने पड़ेंगे, इसके लिए थोड़ा सा गोल्ड इन्हीं के घर से चुरा लेते हैं। चलो ये बन गए अपने गोल्डन बूट्स, अब निकलते हैं सीधा फोर्ट्रेस ढूंढते हैं, या फिर बेसियन मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। ओ भाई ये फोर्ट्रेस है, ओ भाई सीरियसली, ये रहा मेरा पोर्टल और ये रही फोर्ट्रेस, क्या बात है भाई, मजा आ गया भाई आज तो। लेकिन वहां तक जाने के लिए मुझे काफी सारे ब्लॉक्स चाहिए होंगे, कोई बात नहीं इनके घर से चुरा लेते हैं, क्या जा रहा है। तो उसके बाद मैं काफी सारे ब्लॉक्स को जमा करते हुए सीधा निकल गया फोर्ट्रेस की तरफ। चलो मैं यहाँ पे फोर्ट्रेस के पास तो आ गया। ओ भाई यहाँ पर बैशियन भी है भाई, ये फोर्ट्रेस बैशियन और मेरे पोर्टल के पास दोनों, क्या बात है भाई, मजा आ गया भाई आज तो, मैं दोनों को लूट के खाली कर देंगे। पर वहाँ पहुंचा कैसे जाएगा यार, वो तो कुछ ज्यादा ही नीचे है। और ऐसे मारा मत करो यार, इतने दूर से हमला कर रही है भाई, ब्लेज की भाई रेंज सही में बहुत ज्यादा भाई, और निशाना भी एकदम परफेक्ट, मुंह पे मारेंगे डायरेक्ट। और यहाँ पर मेरे पास चार गोल्डन इंगट थे, तो मैं सोच रहा था क्यों ना अपने पिलग्रिम भैया से ट्रेड कर लेते हैं, क्या पता एक बाय चांस मुझे फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और आज पता नहीं इतनी किस्मत अच्छी कैसे हो रही है, समझ नहीं आ रहा, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे देखो, हाँ अब बता मैं वो लाया किस लिए हूँ भाई, तेरे लिए ही तो लाया हूँ, अब बता, बड़ी परेशान कर रही थी। इसने ब्लेज रोड दी कि नहीं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वो तो नीचे जाके पता चली जाएगा भाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा नीचे कैसे जाया जाए, मैं यहाँ से सीधा छलांग मार रहा हूँ भाई, जो होगा देखी जाएगी भाई, बस मार दूंगा छलांग, जो होगा देखी जाएगी। ओ भाई भाई हाफ आर्ट भाई, बच गया भाई, हाफ आर्ट पे पहुंचा हूं मैं। सबसे पहले कवर करो यार, मुझे अपनी हेल्थ बढ़ानी है, कवर करो सबसे पहले से, बच गया वही अच्छी बात है भाई, हाफ आर्ट भाई, एक ब्लॉक और था और खत्म भाई, टाटा बाय बाय हो जाता अपना भी। सही में आज किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, बस इतनी अच्छी फोर्ट्रेस की लूट में भी करवा देना। अच्छा और ऊपर से मारा था फल हमें नीचे आके मिला है, क्या बात है, ब्लेज रॉड एक मिल भी गई, बस मुझे छह और चाहिए, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा एक, मुझे प्लेस स्पॉनर ढूंढते हैं फटाफट से अब। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक चेस्ट दिखाई दी, जिसमें से मुझे आज किस्मत में किसकी चुरा लाया भाई, आज पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ। और फोर्ट्रेस में आए हो और इनसे मार ना खाओ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, मैंने मार खाई है तो इनको भी मैं मार तो खिलाऊंगा ही अब। और उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ चेस्टें और मिली, जिसमें से मुझे ठीक ठाक सा सामान तो मिल चुका था, तीन डायमंड मिल गए थे यार टोटल। और उसके बाद फाइनली मुझे यहाँ पे ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था, तो अब इनकी भी धुनाई चालू करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, इनके लिए स्पेशल डायमंड की एक्स बनानी पड़ेगी। हाँ अब आओ तुम,
चलो मैं बैशन में तो आ गया, बस इसमें से भी यार मुझे तगड़ा सामान मिल जाए। कुछ एरोस चाहिए, थोड़ा बहुत डायमंड आर्मर मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। सबसे पहले इसको निपटाने दो भाई, बड़ी देर से परेशान कर रखा है इसने। चलो इसकी तो इच्छा मैंने पूरी कर दी। और ये चेस्ट ओपन नहीं होगी यार, इसके लिए मैं थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा। हाँ अब हुई ना चेस्ट ओपन। ओ भाई कितना सारा सामान, सारा लपेट लो भाई, जितना भी सामान है सारा लपेट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला आज भाई। लाइन से तीन तीन चेस्ट लगी हुई है, इसमें भी ठीक ठाक सा सामान है। चलो थोड़े बहुत एरोज और गोल्ड ब्लॉक्स भी मिल गए हैं। वो चार चेस्ट है, मैं तीन सोच रहा था भाई, पहले एक दिखी दो तीन चार, लाइन से चार चार चेस्ट, क्या बात है भाई, हमेशा वैसे दो ही मिलती यार। अरे हाँ चलो थोड़ा बहुत गोल्डन कैरेट्स मिल गई, खाना भी मिल गया, ये अच्छी बात है। आयरन के ब्लॉक ठीक है रख लो, जो भी सामान मिल रहा सारा लपेट लूंगा भाई। अभी एक चेस्ट और बाकी है यार, उसको भी लूट के जाएंगे। ओ भाई एंशिएंट डेब्रिस, वैसे एक का मैं करूंगा क्या, पर जो भी है रख लो। आयरन की स्वॉर्ड अपनी वाली इनको दे देते हैं, इनकी वाली हम ले लेते हैं। देख रहे हो भाई कोई नहीं बोलेगा कि मैं लूट रहा हूँ, देख रहा हूँ एक्सचेंज कर रहा हूँ यार, लूट थोड़ी ना रहा हूँ। अच्छा और थोड़ी सी मारपिटाई करने के साथ साथ मुझे यहाँ पर कुछ चेस्टें और मिली, जिसमें से मुझे ढेर सारा बढ़िया बढ़िया सामान तो मिल चुका था। और बस अभी मैं इस बेसिन को खाली करके यहाँ से निकल ही रहा था कि मुझे याद आया कि मेरे पास काफी सारा गोल्ड तो पड़ा ही है, क्यों ना पिगलिन भैया से थोड़ी बहुत ट्रेड कर लेते हैं। किस्मत अच्छी हुई तो मुझे थोड़े बहुत यहाँ पे एंटरपल भी मिल ही जाएंगे, तो देखते हैं किस्मत कितनी अच्छी है। भाई साहब सही में आज किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, पूरा एक स्टैक यानी कि 16 एंटरपल मिल गए। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि काम पूरा होने के बाद ये लोगों को मारता कौन है, तो मैं करता हूँ यार ऐसा। और अपना सारा हिसाब पूरा करके मैं अपने घर वापस आ गया। और बेसिन से मुझे यहाँ पर काफी सारी अलग अलग आयरन की स्वॉर्ड मिली थी, जिनको कंबाइन करके मैं एकदम तगड़ी सी स्वॉर्ड बना सकता था, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए था एक एनविल, लेकिन आयरन की अभी बहुत ज्यादा कमी है। तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक शील्ड बना ली, ये वाली तो मर चुकी है यार। और अब मुझे थोड़ा बहुत आयरन भी चाहिए था, तो उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारा आयरन माइन किया, जिससे मैंने अपने लिए एक एनविल बनाई और अपनी तीनों स्वॉर्ड को कंबाइन करके एक काम चलाओ लाग तो बनी गई यार। ये उतनी तगड़ी नहीं है लेकिन एंडर ड्रैगन को धो देगी, इतनी बढ़िया है। वैसे तो एंडर ड्रैगन को मैं वुडन स्वॉर्ड से धो दूं। अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पे काफी सारी आई ऑफ एंडर बनाई और थोड़ी बहुत मारपिटाई करते करते मैं सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। और इस बार हमारी एंट्री हुई लाइब्रेरी के थ्रू। अब ये मत बोलना माइनक्राफ्ट वालों, तुम मुझे पढ़ाना चाहते हो उस लाइब्रेरी में। और काफी बढ़िया एंचेंटमेंट तो लगी हुई है, इस पे एफिशिएंसी 4 भी लगी हुई थी, जिसको मैं अपनी पिकेक्स पे लगा सकता था, पर पता नहीं क्यों मैंने अपनी स्वॉर्ड पे नॉकबैक 2 लगा ली, पता नहीं ऐसा मैंने क्यों किया। और इस वाली चेस्ट से मुझे स्वाइपिंग एज 3 और शार्पनेस 3 की बुक मिली थी। चलो अपनी सारी एंचेंटमेंट तो हो गई, यहाँ से सीधा बाहर चलते हैं। इस वाली चेस्ट में भी स्वाइपिंग एज 3 और फायर प्रोटेक्शन 3 और एक चेस्ट प्लेट भी है इसको। हाँ मैं अपनी इसको चेस्ट प्लेट पे लगा लेता हूँ, वैसे फायर प्रोटेक्शन किसी काम नहीं आएगी पर फिर भी ठीक है। अब यहाँ से सीधा आगे चलते हैं, दूसरी वाली लाइब्रेरी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ओ भाई लूसी लाइब्रेरी नहीं मिलनी है भाई हमें, मैं ढूंढ ही नहीं रहा, मैं तो भाई एंड पोर्टल ढूंढ रहा था, मिल गया वो। इतना टाइम नहीं है भाई दूसरी लाइब्रेरी ढूंढे, मैं जा रहा हूँ एंडर ड्रैगन को धोने। अरे छोटी सी एंडर ड्रैगन तू पहले मार खा ले। और अब क्या होना है वो तो तुम्हें शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, 2 मिनट रुको उसके बाद बताता हूँ आगे क्या होने वाला है। बस हमेशा की तरह इस बार भी उड़ा दिया उसको, सारी एक्सपी बटोर लो फटाफट। ये आ गया अंडा और अब चलते हैं अब सीधा इलेक्ट्रा लेने। इस बार मैं ब्रिज नहीं बनाने वाला, इस बार तुक्का लगा के देखते हैं, एकदम सही इसमें फिट हो जाना, एकदम थ्रो करके देखते हैं। ओ भाई ओ ओ भाई आज तो भाई कुछ गजब ही चीज हो रहा है मेरे साथ भाई, एकदम एक बार मैं थ्रो कर दिया और आ भी गया अंदर। हर बार तो भाई पुल बना के क्या क्या करना पड़ता है। और यहाँ से सीधा चलते हैं आगे और यहाँ भी एकदम सही जगह पे आ गया। ओ भाई एंड सिटी, आर यू सीरियस भाई, ये वर्ल्ड भाई बहुत ज्यादा लकी है भाई मेरे लिए, ये सीरीज भाई बहुत लंबी चलने वाली है। और ये एंड सिटी भाई इतनी पास है और इसमें शिप भी है भाई, अब तो भाई इलाइट्रा मैं बहुत ही इजीली ले लूंगा भाई इलाइट्रा के लिए। ओ भाई नीचे क्यों कूद रहा हूँ भाई, लो भाई एंड बच गया भाई। ऐसे चीजें तो मैं ऐसी छोटी मोटी चीजें से डरता थोड़ी ना मैं, ये तो मैं करता रहता हूँ यार। अच्छा बच गया यार, अभी खत्म हो जाता काम। और जहां तक मुझे पता है एंटरपल वहां तक थ्रो नहीं ही होगी, ये तो पता ही था यार मुझे, होगी नहीं, ब्लॉक जमा करने पड़ेंगे अब।
चलो ये आ गया मैं एंड शिप की तरफ। यहाँ से अब सीधा इसको शल्कर को पहले निपटाते हैं, फिर अपनी लाइटर लेते हैं। और लूट पार्ट तो मैं वैसे लेना नहीं चाहता, पर अच्छी मिली तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है। मुझे पहले अपनी लाइटर दे, बढ़िया। और चेस्ट में भी आयरन की है चीजें, लेकिन बेकार है भाई। नहीं चाहिए यार ये गोल्ड वगैरह, नहीं चाहिए मेरे को। डायमंड वगैरह चाहिए थे यार, वो तो तुमने दिए ही नहीं। मजा किरकिरा कर दिया तुमने एंड सिटी में आके। तो होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ऐसे ही लाइक करना जैसे मैं टकराया हूं ना, ऐसे ही मार दो यार मुक्का एक लाइक वाले बटन पे। तो होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में। एक और एंड सिटी भाई।